अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आयुषा माला फर्जन अली, लेक्चर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज गुलशन इकबाल, ब्लॉक 7। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी और बीसीएस पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है। ये कंटेंट्स है एंड इंशाल्लाह आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। जो आज का टॉपिक है वो है फिल्टर। फिल्टर नॉर्मली एक ऐसी डिवाइस को कहते हैं जो रिमूव करती है अनवांटेड पार्ट्स को। वो अनवांटेड पार्ट्स क्या हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम वाटर फिल्टरिंग की बात करते हैं तो जब हम वाटर को फिल्टर करते हैं तो वो डस्ट और जो दूसरे सॉलिड पार्टिकल्स हैं उन सबको जो है वो रिमूव कर देती है और आपको प्योर वाटर दे रही होती है। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर्स भी होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिकल फिल्टर्स में जो फिल्टर हो रही होती है या हम जो सिग्नल्स हैं उन्हें जो फिल्टर करना चाह रहे होते हैं वो किस बेसिस पे करना चाह रहे होते हैं, हम उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर्स आर सर्किट दैट आर कैपेबल ऑफ पासिंग सिग्नल विद सर्टेन सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाइल रिजेक्टिंग सिग्नल्स विद अदर फ्रीक्वेंसीज। यानी हम कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज हैं या हम सेलेक्टेड कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको हम पास करवाना चाह रहे होते हैं और अदर देन दैट फ्रीक्वेंसीज हम जो है वो सर्किट में से उनको रिमूव करना चाह रहे होते हैं। हम सर्किट्स को या फिल्टर्स को जो है वो दो तरह से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। एक होते हैं पैसिव फिल्टर्स और एक हमारे पास होते हैं एक्टिव फिल्टर्स। जिस तरह हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्टिव कंपोनेंट्स और एक पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं कि जो रेजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, इंडक्टर्स हैं, ये सारे पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करते, वोल्टेज गेन नहीं करते, सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर रहे होते। तो वो फिल्टर्स जो इन कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए डिज़ाइन किए जाए वो कहलाते हैं पैसिव फिल्टर्स। एक्टिव कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है कि जो ट्रांजिस्टर्स हैं या जो ओपेम्स हैं, डायोड्स हैं, ये सारे हमारे पास एक्टिव फिल्टर्स में आते हैं और एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। और इन कंपोनेंट्स को यूज़ करके जो हम फिल्टर डिज़ाइन करते हैं वो एक्टिव फिल्टर कहलाते हैं। एक और इनमें क्या डिफरेंस है कि जो पैसिव फिल्टर्स हैं वो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव होते हैं, जबकि जो एक्टिव फिल्टर्स है वो वोल्टेज गेन के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर करने की बेस पे फिल्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं लो एंड हाई पास फिल्टर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लो पास फिल्टर्स को। जिस तरह हमें नाम से ही पता लग रहा है कि ये लो पास है, यानी कि लो फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा है और जो हाई फ्रीक्वेंसीज है उनको रिजेक्ट कर रहा है। अब ये एक जब हमें एक लो पास फिल्टर सर्किट को डिज़ाइन करना है तो उसके लिए जो हमें कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं या जो लो पास फिल्टर सर्किट है वो बेस्ड कर रहा है रेजिस्टर और कैपेसिटर, तो ये कहलाता है एक आरसी सर्किट। अब हम सर्किट को अंडरस्टैंड करने से पहले उसका सर्किट एक्शन जो है वो डिस्क्राइब करने से पहले एक और टर्म है जिसको समझ लेते हैं। हम जिस तरह सर्किट के अंदर एक फिक्स्ड वैल्यू के रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं और वो एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर कर रही होती है, लेट्स सपोज अगर हमने एक 1K के रेजिस्टर को कनेक्ट किया तो 1K की रेजिस्टेंस ऑफर कर रही होगी, लेकिन जब हम किसी सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स्ड नहीं होती बल्कि वो वैरी कर रही होती है। और वो किस वजह से वैरी कर रही होती है, वो वैरी कर रही होती है ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब जो चीज़ वैरी कर रही है उसको हम रेजिस्टेंस नहीं कह सकते बल्कि उसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो है रिएक्टेंस, क्योंकि वो रिएक्टेंस एक कैपेसिटर की है तो वो कहलाती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम शो करते हैं एक्स सी से। मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/2πfc। 2π एक कांस्टेंट फैक्टर है, हमने सर्किट में फिक्स वैल्यू का कैपेसिटर कनेक्ट किया था यानी कि सी भी कांस्टेंट है। जब हम इस फॉर्मूले में 2π और सी की जगह पे कांस्टेंट रखते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन बनता है वो आता है एक्स सी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट 1/f।
हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब भी हमारे पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है और हम उसको रिमूव करते हैं तो इक्वल्स टू का साइन और कोई कॉन्स्टेंट लगा देते हैं। अब यहाँ हमारे पास इक्वल्स टू और कॉन्स्टेंट है तो ये दोनों मिलके बन जाते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स सी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f है या एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को एफ के क्या मीनिंग हुए कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी और अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। ये एक लो पास फिल्टर का सर्किट है जिसमें हमने एक रेजिस्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम एक लो पास फिल्टर जो है वो डिज़ाइन करते हैं तो हम इनपुट पे एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर जो है वो कनेक्ट कर देते हैं जो कि एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर हम पहले जो ऑर्डर हमारे पास है वो हम पहले एक रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं और फिर उसके साथ सीरीज में एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं और जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम उस कैपेसिटर के अक्रॉस ले रहे हैं, यानी कि पैरेलल टू द कैपेसिटर ले रहे हैं। तो जो भी वोल्टेज जो भी सिग्नल जो है वो कैपेसिटर पे आ रहा होगा वही हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा होगा। अब हम स्टार्टिंग में क्या है, दो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल देते हैं, कुछ जो सिग्नल है वो उस आर के अक्रॉस ड्रॉप होगा और फिर उसके बाद रिमेनिंग जो सिग्नल है वो सी तक आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है। तो जो कैपेसिटर रिएक्ट कर रहा होगा या जो इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी वो हाई होगी, जिस तरह हम इस रिलेशन में भी देख सकते हैं कि एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो अगर जो है वो फ्रीक्वेंसी कम है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाई है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाई का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैक्सिमम जो आपके पास है वो यहाँ पे आपको सी के अक्रॉस मिल रहा होगा और हम सी के पैरेलल क्योंकि आउटपुट ले रहे हैं तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। अब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक जो है वो हम जिस तरह फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करते चले जाएंगे इसकी कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है वो कम होती चले जाएगी। हम सर्किट डिज़ाइन करते वक्त इसकी एक फ्रीक्वेंसी को डिज़ाइन कर देते हैं या लिमिट कर देते हैं कि हमें इस फ्रीक्वेंसीज तक के सिग्नल्स जो है वो चाहिए और उसके बाद जो बाकी सारे सिग्नल्स हैं वो हमें रिक्वायर्ड, अगर हमारे रिक्वायर्ड सिग्नल्स नहीं है तो वो जो अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमारे जिसके बाद सिग्नल जो है वो अटेन्यूएट होना शुरू हो जाता है वो कहलाती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाते हैं या आफ्टर द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होती चले जाएगी और ये ग्राफ में भी हम देख सकते हैं कि वो डिक्रीज होते 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 बिल्कुल जो है वो मिनिमम पर पहुंच जाएगी। तो ये एक लो पास फिल्टर का सर्किट था और हम ग्राफ की मदद से इसके बिहेवियर को देख सकते हैं कि एक लो पास फिल्टर जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा होता है। जो सेकंड टाइप है वो हमारे पास है हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर हम अगेन फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, यानी कि ये हाई फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा है, जैसा लो पास फिल्टर लो फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा था और हाई फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था। बिल्कुल इसी तरह हाई पास फिल्टर हाई एक ये भी एक आरसी सर्किट है लेकिन ये हाई फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा और लो फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट कर देगा। अब इसमें और लो पास और हाई पास में फिर क्या डिफरेंस है कि अगर दोनों ही आरसी सर्किट है तो हमने उस वक्त बात की थी कि जो अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर और कैपेसिटर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ सर्किट में देख सकते हैं कि वहाँ हमारे पास आर पहले कनेक्टेड था और जो सी था वो बाद में था और वहाँ हम जो आउटपुट थे वो सी के अक्रॉस ले रहे थे जबकि यहाँ जो हम आउटपुट है वो आर के अक्रॉस ले रहे हैं। हमने इनिशियली लो फ्रीक्वेंसी थी, जब लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल सी पर आया तो फ्रीक्वेंसी लो है तो इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगी। जब बहुत ज़्यादा हाई होगी तो मैक्सिमम जो सिग्नल है वो सी पे होगा और बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल जो है वो आगे आर के क्रॉस पास हो। अब जब मिनिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल आर तक पहुंचेगा तो हम जब आउटपुट आर के पैरेलल ले रहे हैं तो हमें यहाँ ग्राफ में नज़र आ रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी कम है तो आउटपुट भी कम है। फिर क्या है कि हम जैसे जैसे आउटपुट जो है वो इनपुट बढ़ाते चले जाएंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते इनपुट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले जाएंगे तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कम होती चले जाएगी। जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होती जाएगी तो आर के ऊपर जो है जो सिग्नल पहुंच रहा था वो ज़्यादा पहुंचेगा।
जब वो ज़्यादा पहुंचेगा तो हमें यहाँ ग्राफ पे नज़र आ रहा है ये ग्रेजुअली जो है वो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है और एक टाइम पे आके वो मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन वो यहाँ पे भी वो पॉइंट जो आप जो हम यहाँ चाहते हैं कि इस फ्रीक्वेंसीज तक के जो सिग्नल्स हैं वो हमें जो है वो इसके बाद के जो है वो सिग्नल्स चाहिए और इसके पहले के सिग्नल्स हमें नहीं चाहिए, कि वो फ्रीक्वेंसी आप ही कहलाती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि बिलो द कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है वो हमारे अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद के जो सिग्नल्स हैं वो हमें चाहिए होते हैं। यानी अब क्या है कि ये हाई फ्रीक्वेंसीज के जो सिग्नल्स हैं उनको पास करती है और जो लो फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल हैं वो हम यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि किस तरह से ये उनको रिजेक्ट कर रही होती है, तो ये कहलाता है एक हाई पास फिल्टर। अब हम हाई पास और जो लो पास फिल्टर्स हैं उन दोनों को कंबाइन करके मज़ीद दो तरह के फिल्टर्स बना सकते हैं और वो कहलाते हैं बैंड पास एंड बैंड स्टॉप फिल्टर। यानी अब हम एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी बैंड को या तो पास करवाना चाहते हैं या सर्टेन फ्रीक्वेंसी बैंड को रिजेक्ट करवाना चाहते हैं। तो बैंड पास फिल्टर्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आ बैंड पास फिल्टर पासेस ऑल सिग्नल्स विद इन अ बैंड बिटवीन अ लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट एंड अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट एंड रिजेक्ट ऑल अदर फ्रीक्वेंसीज दैट आर आउटसाइड दिस स्पेसिफिक बैंड। यानी जो हमने बैंड डिफाइन कर दिया ये सिर्फ उन फ्रीक्वेंसीज को पास करेगी और इसके अलावा जो बाकी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको ये पास नहीं करेगी। यहाँ इसका हम सर्किट जो है वो देख सकते हैं और इसी के साथ जो है वो ग्राफ भी बना हुआ है। और अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इसके दो पोर्शन हैं। जो पहला वाला पोर्शन है वो हमें हाई पास फिल्टर को शो कर रहा है और जो इसका सेकंड वाला पार्ट है वो लो पास फिल्टर को शो कर रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम सर्किट को डिज़ाइन करते हैं तो हम पहले एक हाई पास सर्किट को पहले लगाते हैं और लो पास सर्किट को बाद में लगाते हैं। यानी कि कैपेसिटर और रेजिस्टर पहले आएगा और फिर रेजिस्टर और कैपेसिटर बाद में आएगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह मिलके जो है वो बिहेव कर रहे होते हैं जिस तरह हाई पास और लो पास कर रहे हैं। अब जो इसने ये सर्टेन फ्रीक्वेंसी बैंड को पास किया है ये कहलाती है इसकी बैंड विड्थ। और ये किसके बराबर होती है, ये यहाँ F2 - F1। F2 हमारे पास क्या है कि अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है और जो F1 है वो लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है और इनका जो डिफरेंस है वो हमें बैंड विड्थ को कहता है और जो यहाँ से इसका मैक्सिमम सेंटर पॉइंट है वो इसकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा होता है। सेकेंड टाइप का जो हमारे फोर्थ जो इसका टाइप का हमारे पास है वो बैंड स्टॉप फिल्टर है, जिसका नाम से ही पता लग रहा है इसको हम नोच फिल्टर भी कहते हैं। कि अ बैंड स्टॉप और नोच फिल्टर रिजेक्ट ऑल सिग्नल्स विद इन अ बैंड बिटवीन अ लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट एंड अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट एंड पासिस ऑल अदर फ्रीक्वेंसीज दैट आर आउटसाइड दिस स्पेसिफिक बैंड। यानी ये उसके बिल्कुल रिवर्स काम कर रहा है कि वो एक सर्टेन बैंड को पास कर रहा था और उसके अलावा जो बाकी फ्रीक्वेंसीज थी वो उनको पास नहीं कर रहा था और ये उस सर्टेन बैंड को स्टॉप कर रहा है और अदर देन जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको पास कर रहा है। ये इसके सेकंड डायग्राम और ग्राफ है। अब हम ग्राफ में अगर देखें तो हमें ग्राफ से पता लग रहा है कि ये पहले इसमें एक लो पास फिल्टर है और फिर एक हाई पास फिल्टर जो है वो लगाया गया है। तो बिल्कुल इसी तरह इस सर्किट को डिज़ाइन करते वक्त हम पहले एक लो पास फिल्टर लगाते हैं और फिर उसी के साथ जो है वो हम कनेक्ट कर देते हैं एक हाई पास फिल्टर को और ये दोनों जो कम्बाइनली जो है वो एक बैंड स्टॉप फिल्टर की तरह वर्क कर रहे होते हैं।